ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವೇಗಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಷಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವೇಗಾಚಾರ್ಯೋಷ್ಟೋತ್ತರ ಷಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಶಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿರಾಜ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಿ ಮಥುರಾ ಬೃಂದಾವನ ಧಾಮ್ ಕಿ ನದಿಯಾ ನವದೀಪ್ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಗಂಗಾ ಮಾಯಿ ಕಿ ಯಮುನಾ ಮಾಯಿ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕಿ ಶಮವೇಗ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿಪ್ರಮಾನಂದೇ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶ್ರೇಷಮಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶ್ರೇಷಮಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶ್ರೇಷಮಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶ್ರೀ 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 ಗುರು ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಗೌರ್ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹಂ ಪಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಚಾರ್ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 32 ಏವಂ ಬಹುವಿಧ ಯಜ್ಞ ವಿತತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮುಖೋ ಕರ್ಮ ನಿಧ್ಯತನ ಸರ್ವ ನೇವಂ ಜ್ಞಾತ ವಿಮೋಕ್ಷತೆ ಸಭಿ ಆ ಬೋಲಿ ಏವಂ ಬಹುವಿಧಾ ಯಜ್ಞ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮುಖೆ ಸರ್ವಜಾನಿತಿ ತಾನ್ ಸರ್ವಂ ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾ ವಿಮೋಕ್ಷತೆ ಏವಂ ಬಹುವಿಧ ಯಜ್ಞ ವಿತತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮುಖೆ ಸರ್ವಜಾತಿ ವಿತಾನ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏವಂ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುವಿಧಾ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಯಜ್ಞ ವಿದಿತಾ ಫೇಲೆ ಹುವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದೋ ಕೆ ಮುಖ ಮೇ ಕರ್ಮ ಜಾನ್ ಕರ್ಮ ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಿ ಜಾನೋ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಬ್ಕೋ ಏವಂ ಇಸ್ ತರಹ
ज्ञात्वा ज्ञाता जानकर जानकर विमोक्ष से विमोक्षक से मुक्त हो जाओगे मुक्त हो जाओ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य जैसे कि पहले बताया जा चुका है वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददातीश पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीदूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथम् इदं तं सजीवं सावदयितं सावधूतं प्रयजनचैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखाम् इदांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं अर्जुन को। एक्चुअली पूरे भगवत गीता के अंदर भगवान जितने भी बात बताए हैं वो सभी मनुष्य की शिक्षा के लिए बताए हैं। तो भगवान अर्जुन को ये उपाय बता रहे हैं कैसे व्यक्ति ये संसार से वो मुक्त हो सकता है। जितने भी कार्य है जो आध्यात्मिक ग्रंथ शास्त्र वेदों उपनिषदों जिसमें भी बताया गया है सभी में एक ही चीज शिक्षा दिया जा रहा है जाता है कि कैसे व्यक्ति ये भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि ये संसार में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है। ये संसार में हम दुख भोग रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है और बहुत ही सारे कष्ट भोग रहे हैं, तो उनको अगर एक छुटकारा दिया जाए कि आप कैसे भी ये संसार ये जेल से निकलने के लिए, तो हम भी ये संसार में जेल में फंसे हुए हैं तो ये जेल से कैसे हम मुक्त होंगे, वही ज्ञान भगवद गीता में बताया गया है। भगवद गीता का ज्ञान यही है कि हम ये संसार से निकल जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य उनके गुरु महाराज जी है वो बताते हैं कि ये संसार कोई अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है, भद्र व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये संसार भद्र व्यक्ति के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये संसार में
आपको हर कोई व्यक्ति ठगना चाहता है, हर कोई आपको लूटना चाहता है, और आपको कोई अगर अच्छा बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो आपको इसीलिए अच्छा बोल रहा है क्योंकि आप उनके काम के हो। वो कहना चाहता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो ये कहना चाहता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हो, आप मेरे काम के हो, इसीलिए आप बहुत अच्छे हो। जब आप मेरे काम के नहीं रहोगे तो आप अच्छे नहीं रहोगे। तो ये चीज़ शास्त्रों में शिक्षा दिया जाता है, मगर आज के डेट में हम भौतिक में इतना प्रगति कर चुके हैं, प्रगति तो भौतिक दृष्टिकोण से प्रगति है, तो वो प्रगति के नाते हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, और ये जो वेदों शास्त्रों में जो चीज़ बताया गया ना, वो हम लोग के लिए नहीं, वो सब बूढ़े होने के टाइम पे ज़रूरत आएगा, हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो शास्त्र में प्रामाणिक ज्ञान बताया गया, ये मनुष्य के लिए है। और भक्त प्रहलाद कहते हैं कि 5 साल के आयु से हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो मनुष्य जीवन है अत्यंत दुर्लभ है। तदपि अर्धुवम अर्खदम, फिर भी हम कह नहीं सकते हैं कि हम 100 साल जिएंगे या ज़्यादा साल जिएंगे, कभी भी मर सकते हैं। तो ये संसार तो कभी भी कि हमको मृत्यु आ सकता है। जैसे अभी आप लोग बाहर जो रहते हैं, आप लोग सुने रहेंगे, देखे रहेंगे कि दक्षिण भारत के ओर कौन सा जगह है, वो केरला। हाँ, तो केरला साइड में देख रहे हैं कितने सारे असुविधाएं हैं, इतने पानी आ गया है, बहुत सारे लोग मर भी गए। तो वो प्रांत के लोग को कभी उनको मालूम नहीं था कि ऐसा पानी आएगा और हमको ऐसा मरना पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचे थे। तो उसी प्रकार मृत्यु कभी भी कोई भी समय पे आ सकता है हमको। तो मृत्यु से पहले अगर हम तैयारी नहीं किए, भगवान की भक्ति नहीं किए, तो हमको ये संसार में बार बार आना पड़ेगा, और ये संसार में हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य कहते हैं पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरे जननी जटरे शयनम। तो ये संसार में फिर से हमको आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, मलमूत्र के द्वार हमारे जो पेट के अंदर रहना पड़ेगा 9 महीने, बाद में हमको जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेके ऐसा नहीं कि हम हमेशा युवा अवस्था में रहेंगे, उसके अंदर हमको बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा। तो इस संसार में हमको हर समय कष्ट मिल रहा है। भगवत गीता का यही सार ज्ञान है कि हम कोई भी स्थिति कैसे भी करके भगवान के शरण में आए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, आप सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। आप सभी प्रकार के धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ, क्योंकि भगवान के शरण में आना ही मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है। जैसे नदी कितना कहाँ पर भी घूमे, उसका जब लास्ट जो स्थान है ना, वो समुंदर है। उसी प्रकार जीव का अंतिम जो स्वर मूल उद्देश्य उसका है, वो भगवान के शरण में जाना, मगर हम नहीं जा पा रहे। इसीलिए हम ये संसार में दुख भोग रहे। भगवान इसीलिए कह रहे कि आप भगवान की भक्ति करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये संसार में जब आए, हम यहाँ पे देख रहे हैं गौर निताय जी है, तो ऐसा चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिशुत होइल श्री बलराम होइल निताय, पापी तापी जत थिलो हरिनाम उद्धारिलो तार साखी जगाई और माधाई। आपको यहाँ पे बहुत सुंदर भाव में देख सकते हैं, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु है, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु
जो है वो कृष्ण और बलराम जी है, कृष्ण और बलराम जी है। आप सुने रहेंगे भगवान कृष्ण और वृंदावन में, वृंदावन में वो लीलाएं कर रहे थे। तो कृष्ण और बलराम जो वृंदावन में लीला कर रहे थे वही गौर और नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए। तो देखिए भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में बोल के गए कि सर्वधर्मा परितेज माम एकम शरणं व्रज, तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, भगवद गीता का ये जो ज्ञान देखे गए, जाने के बाद भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में रह के ये सोचने लगे कि मैं जो ज्ञान बोल के आया हूँ ये कलयुग के लोग हैं, इतने मंद बुद्धि वाले हैं और मेरा जो ज्ञान है ये लोग पालन नहीं करेंगे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिशुत होइल सई, जो ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, बलराम होइल निताय, और जो बलराम जी थे वो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु जब आए इस संसार में तो व्यक्ति को जैसे भगवान कृष्ण खाली ऐसे बोल के गए थे, आचरण नहीं किए थे। हमारे एक महाराज जी बताते हैं कि कृष्ण बस बोल के गए, थ्योरेटिकली स्पीकर, प्रैक्टिकल जो टीचर है वो चैतन्य महाप्रभु है, खुद आचरण करके दिखाए। अपने आचार्य प्रभु जीवे सिखाए, चैतन्य महाप्रभु आकर आचरण करके दिखाए। क्या के भगवान कृष्ण के देखे कि ये कलयुग के लोग मेरे शरण में आएंगे नहीं, कैसे मैं बताया हूँ, मैं सारे धर्म के छोड़ के मेरे शरण में आने के लिए मैं जो बोला हूँ ये लोग कैसे पालन करेंगे, मैं खुद आचरण करके सिखाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु आकर आचरण करके सिखाए कि हमको कैसे भगवान का शरण स्मरण में जाना, शरण में जाना चाहिए, भगवान का हम कैसे स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करने के लिए शिक्षा है। सिखाओ शरणागति भकतेर प्राण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सहदाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाओ शरणागति भकतेर प्राण। ये भक्त के लिए, भक्त का जीवन का कैसा शैली होना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु आके सिखाए। भगवान कृष्ण खाली बोल के गए कि मेरे शरण में आओ, मगर कैसे शरण में आना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु सिखाए। तो ये कलयुग का युग धर्म है, जैसे आप चारों युग के बारे में सुने हैं, सत्ययुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है और कलयुग है। तो उसी प्रकार जैसे सत्ययुग था, सत्ययुग का लोग बहुत ज़्यादा समय तक जीते थे और वो समय पे इतना पाप कार्य नहीं होता था, पाप बहुत कम क्या होता ही नहीं था, बहुत ही कम। वो समय पे यमराज और उनके जो जितने भी सर्वेंट है, जो काम करने वाले हैं, सब उधर सोते थे, उन लोग को कुछ काम करना नहीं पड़ता था। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की। तो अभी कुछ ही समय के लिए ठाकुर जी का पट बंद हुआ है और कुछ ही समय के बाद 8:30 बजे ठाकुर जी का शयन आरती होएगा। शयन आरती आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ ही समय यहाँ पे बैठ जाइए, हिंदी में यहाँ कथा हो रहा है भगवान के बारे में, सुनिए, बाद में ठाकुर जी का आरती दर्शन करके आपके घर में जा सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या बोल रहा था यमराज, हाँ सही, प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो जो यमराज वो समय पे बहुत ही रेस्ट कर रहे थे, कुछ उन लोग को उतना टेंशन ही नहीं था। वो क्यों टेंशन नहीं था, क्योंकि सतयुग में लोग तपस्या करते थे, इधर के जैसे आजकल के जैसे गंदे कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार लोग नहीं कर रहे थे, ऐसे शराब पीना, जो गलत कार्य जितने भी कर रहे इतना नहीं होता था। तो यमराज बहुत ही आराम से थे, नो टेंशन, आराम से रेस्ट करते थे। मगर जब त्रेता युग आया
वो समय पे आप देखे रहेंगे बहुत सारे असुर के बारे में, भगवान रामचंद्र आए थे ना, तो यमराज जी देखने लगे कि थोड़ा ड्यूटी बढ़ गया है अभी, पहले बिल्कुल ड्यूटी नहीं रहता था, पूरा 8 के 8 घंटा सो के बिताना पड़ता था, अभी 2 घंटा वर्क करना पड़ेगा, 2 घंटा बिजी रहना पड़ता था, थोड़े बहुत असुर आ जाते थे नरक में, उन लोग को नरक में दंड देना पड़ता था उनको। जब द्वापर युग आया, आप देखे रहेंगे भगवान कृष्ण वो समय पे और थोड़ा उनका 2 घंटा से 4 घंटा हो गया, 4 घंटा ड्यूटी करना पड़ा, क्योंकि जो असुर लोग है ना बहुत बढ़ गए थे, और थोड़ा बढ़े। मगर कलयुग जब आया ना तब 12 घंटा हो गया, 4 घंटा भी नहीं, 4 घंटा था, 8 घंटा भी नहीं, डायरेक्ट 12 घंटा। इसीलिए आज के लोग ज़्यादा 12 घंटा काम कर रहे, यमराज जी के पास उधर भी 12 घंटा चल रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने 12 घंटा काम करने वाले हैं ना उधर भी 12 घंटा तक उन लोग को दंड मिल रहा है, इसलिए वहाँ अभी 12 घंटा 24 घंटा भी चल रहा है ड्यूटी, आगे जाके 24 घंटा हो जाएगा, 24 आवर्स नरक का द्वार। तो कलयुग जब आया, कलयुग में इतने लोग पाप करने लगे, तो देखने लगे, यमराज बोलने लगे कि हमको बहुत ओवर ड्यूटी हो रहा है। यमराज भगवान को बोलने लगे, भगवान आप क्या कलयुग एक बनाए, ये कलयुग के लोग हमारे इधर नरक के लिए, यहाँ मुंबई में जैसा हर चीज़ के लिए लाइन लगाना पड़ता है, ट्रेन टिकट, बस टिकट, बस के लिए, हर किसी के लिए लाइन, तो उधर नरक में भी लाइन लगा है। ऐसा नहीं कि आप कोई जो पापी व्यक्ति है जो मरता है तो वो डायरेक्ट नरक में नहीं जा पा रहे, अभी उसको भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जाकर दंड भोगने के लिए भी लाइन, तो ऐसा हो गया है क्योंकि इतने पाप कर रहे हैं लोग। तो भगवान कृष्ण को वो बोलने लगे कि भगवान ये कलयुग के लोग इतने पाप कर रहे हैं, इतना लाइन लग रहा है, ये लाइन को थोड़ा कम तो कराओ, आपका ये ड्यूटी है। आप कहते हैं ना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृतम, आपका ये कहते हैं ना उद्धार करने के लिए जाते हैं, मगर क्या आप कुछ अच्छा मेंटेन नहीं कर रहे आप। तो भगवान कृष्ण तभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए वो देखे कि मैं द्वापर युग में आया था, ये सब असुरों को मारा था, मगर मैं अभी कितना असुर को मारूं, इधर कोई देवता है ही नहीं, सबके सब असुर है, क्योंकि जिन हमारा जो कार्य है वो असुर के जैसा है, असुर के जैसा हम कार्य कर रहे। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि ये सब असुर को मैं ऐसे नहीं मार सकता हूँ, इन लोग के अंदर जो अंदर असुरी प्रगति है, असुर के जैसा गुण है अंदर, कैसा असुर के जैसा, सभी बच्चे चुप हो जाइए। तो ये जो असुरी प्रगति हमारा मन भाव है असुर के जैसा, ये असुरी प्रगति को कैसे नष्ट करे, भगवान कृष्ण सोचने लगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पे नए आते हैं या पुराने आते हैं, सबसे हम एक ही चीज कहते हैं, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग को मालूम नहीं है ये मंदिर का नाम क्या है, सबको मालूम है ये हरे कृष्ण मंदिर है ना। तो हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग के लिए मेडिसन है। जैसे आज कल किसी को अगर कुछ सर्दी या बुखार कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि हमको ऐसा मेडिसन दो कि 3-4 घंटा के अंदर अच्छा हो जाना चाहिए ना। आपको सतयुग के बारे में अगर सुनेंगे तो आप बोलेंगे वो हमारे लिए तो असंभव है, सतयुग में लोग एक पैर में खड़े होकर तपस्या करते थे, एक पैर में आपको अगर 10-15 मिनट के लिए खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए आप खड़े नहीं हो पाएंगे, वो 60,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, वो कर नहीं पाएंगे। द्वापर युग में यज्ञ करते थे, माचिस मार के यज्ञ ऐसा जलाया नहीं जाता था, लकड़ा, जो ब्राह्मण रहते थे वो इतना पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते थे, वो मंत्र उच्चारण करने से अग्नि प्रकट होता था, ठीक है, तो वो भी हम कर नहीं सकते हैं। और वो समय के प्योर घी रहता था, 100% प्योर, नहीं खाली ऐसा स्टाम्प लगा के 100% प्योर वाला, वो वाला घी नहीं, शुद्ध घी मिलता था। और द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना होता था,
वो जो पूजा अर्चना होता था वो पूजा अर्चना में मंत्र उच्चारण सब कुछ सही होता था, मगर कलयुग जब आ गया किसी के पास स्मरण शक्ति ही नहीं रहा, वो स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनका मेमोरी इधर जो था ना वो मोबाइल के अंदर आ गया, अभी वो मेमोरी सर माइंड में नहीं है, वो मोबाइल में आ गया है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति के पास मोबाइल एक रहता ही है, क्योंकि उसका मेमोरी उसमें ही है। तो कलयुग के इतने बोले तो कम बुद्धि वाले हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण सोचने लगे कि ये कलयुग के लोग को हम कुछ शॉर्टकट वाला दे देंगे। शॉर्टकट वाला क्या है? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसा बताया जाता है कलयुग का जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये उच्चारण करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई अगर भगवान कृष्ण का एक बार नाम उच्चारण करता है तो भी उसका सभी पाप नष्ट हो जाता है। तो हम तो हमेशा पाप कर रहे हैं और पाप नष्ट हो जा रहे हैं, तो हम आप बोलेंगे प्रभु जी एक बार हरे कृष्ण बोल दिए बस, अभी तक जो 20 साल 25 साल के अंदर जितना पाप किए थे सब खत्म, अभी नहीं, अभी पूरा पाप से हम पूरा दूध के धुले हुए हो गए, हमारे अंदर कुछ पाप नहीं। मगर हमारे अंदर पाप करने की मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति कैसे? जैसे आप कभी कितने पाप किए रहेंगे मगर आप मंदिर से जितने भी पाप करने की इच्छा है वो सब नष्ट हो जाता है। तो अभी हम जो उच्चारण किए इसमें हमारा पूरा नष्ट हो गया, किंतु अगर हम बारंबार उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर जो मनोवृत्ति है, पाप करने की इच्छा है, वो प्रगति है, वो नष्ट हो जाएगा, तभी हम पाप नहीं करेंगे। तो पाप पूरा नष्ट हो जाएगा, जब पाप नष्ट हो जाएगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने के बाद हमारा मन शांत हो जाएगा। आज के डेट में हमारे पास सब सुविधाएं हैं मगर हमारा मन शांत नहीं है। कोई व्यक्ति को बोल दिया जाए आपको कुछ नहीं करना है, आपका मोबाइल को 4 दिन के लिए मंदिर में जमा करना है, 5वां दिन आप लेके जा सकते हैं, आप नहीं रह पाएंगे। हमारा 2 किडनी है एक ले लो, 2 किडनी रहता है ना, किडनी 2 रहता है ना, 2 किडनी है एक किडनी ले लो प्रभु जी, मगर मोबाइल मत लो, इतना इंपॉर्टेंट है मोबाइल। क्यों? इसके प्रति हम आसक्त है। और भगवत गीता में बताया गया जो भौतिक वस्तु के प्रति ज्यादा आसक्त होता है ना उनको ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। हमारा दुख का कारण ये है, दुख का कारण क्या है कि हमारा घर में बाइक है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, बाजू वाला का घर में कार है हमारा घर में कार क्यों नहीं है इसीलिए हम दुखी है। हमारे पास बाइक जो है उसमें हम संतुष्ट रह सकते हैं मगर बाजू वाला का घर में कार है हमारा घर में क्यों नहीं है इसीलिए हम दुखी है। दुख का कारण ये है, क्यों हम चाहते हैं कि हमारे पास, और टीवी में भी यही एडवर्टाइज दिखाता है, आप ये वाला कंपनी का कार ले लो, आपके साथ में आपका परिवार रहेंगे और आप मुंबई में NH अपना कौन सा एक्सप्रेस हाईवे में गाड़ी चलाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, कौन सा वो खंडाला के घाट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हमको क्या लगता है, बस हमारा मन में, हमारा जो परिवार में दुख का कारण यही कार है। क्या हमारा घर में एक कार नहीं है इसलिए हम दुखी है, हमारे परिवार को मैं खंडाला घुमाने के लिए नहीं लेके जा पा रहा हूँ इसीलिए परिवार लोग दुखी है। तो हमारा मन में ये विचार आता है कि हम वो कार ले लेंगे, और कार लेने के लिए तो ले, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है तुरंत जाके ले लेंगे, गधा के जैसा 12 घंटा के जैसा 16 घंटा 24 घंटा ओवर ड्यूटी करते हैं। क्यों? ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होएगा, अच्छा कार लेना है। तो हमारा जीवन में बहुत इच्छा है इसके लिए हम शांत नहीं है, और ये तभी हम शांत हो पाएंगे जब हम ये इच्छा को दूर करेंगे। तो ये संसार में बंधन का हमारा एक ही कारण है कि ये संसार में हम भोग करना चाहते हैं। क्या भोग करना चाहते हैं? हम सोच रहे हैं कि ये मालिक है हम। देखिए आपके घर में कोई परिवार में कोई व्यक्ति है जो घर की भार मेंटेन कर रहे हैं, परिवार की सब कुछ दायित्व लेकर वो उनको खाना पीना सब कुछ वो दे रहे, मगर
उनको पूछेंगे आप मालिक कौन है इस घर का, तो वो बोलेंगे कि घर का मालिक मैं हूँ, मगर वो सबसे बड़े नौकर है। क्यों? क्योंकि पूरे घर का मेंटेनेंस वही कर रहे हैं, मगर खुद को हम मालिक कहते। उसी प्रकार हमारा यही मूर्खता है कि हम खुद को मालिक कह रहे हैं। हम मालिक नहीं है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम भगवान के नित्य दास है, हम बॉस नहीं है, बॉस एक ही है कृष्ण और बाकी सब सर्वेंट है। तो भगवान की हम नौकर नहीं बनना चाहते, संसार की नौकर बनेंगे। देखिए कैसे हम संसार की नौकर बनते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम बड़े मालिक हैं। आप सचमुच आप ऐसा सोच लीजिए, आप जानिए कि हमारे देश के जो बड़े मंत्री है प्रधानमंत्री, तो वो अगर बोलेंगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मगर वो बड़ा नहीं है। कैसे बड़ा नहीं है? क्योंकि वो पूरे देश की सेवा करने के लिए आए हैं। कहते हैं ना हम देश के सेवक है, तो सेवक कभी बड़ा नहीं होता है। मालिक जो है ना वो कभी भी कोई काम नहीं करता है। आप भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की अभी देखिए जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, तो भगवान कृष्ण के बारे में आप सुनिए, तो भगवान कृष्ण कहाँ कुछ काम नहीं करते थे, उनका एक ही काम रहता था बंसी बजाना, और हमेशा आनंदित अपने फ्रेंड के साथ में खेलते थे। वही भगवान हो सकता है वो जिंदगी भर कभी कुछ काम नहीं करता है और हमेशा खेल कूद में मजा में रहता है, वही भगवान हो सकते हैं। और हर कोई भी और जितने भी है जो लोग कह ले कि हम भगवान है, ये है वो है, ये सब भगवान नहीं है। क्योंकि भागवत गीता में इसका पृष्ठ बताया गया है कि कौन भगवान है, कौन गॉड है और कौन डॉग है, कौन गॉड है और कौन डॉग है वो बताया गया है। इस संसार में कोई अगर कह रहा है आई एम ए गॉड, वो गॉड नहीं है, वो डॉग है, खुद को गॉड कह रहा है। क्योंकि इस संसार में कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं ना इस संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, वो कार्य नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमारे तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे बाबा है, वो तो खुद को भगवान कहलाते हैं, और कुछ कुछ भगवान आजकल जेल में भी है, तो खुद को भगवान कहने के बाद वो भी जेल में है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि भगवान जेल में है, भगवान कृष्ण भी तो जेल में थे, जेल में जन्म लिए ना, मगर भगवान कृष्ण जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब भगवान कृष्ण कारागृह में प्रकट हुए जन्म लिए, तो वहाँ पे जितने भी लॉक था ना, जितने भी बहुत ही आजकल के ये वाला गोदरेज वाला लॉक नहीं है, वो अच्छा मोटा मोटा लॉक रहता था, जो कि आपको ये गैस कटर जो है ना लोहा को काटते हैं वैसा कटर लेके जाएंगे तो आपको 2-4 दिन लगेगा काटने के लिए, इतना मजबूत लॉक रहता था। तो वैसा लॉक जो है ना वो ऑटोमेटिक खुल गया जब भगवान कृष्ण जन्म लिए। ऐसा नहीं कि वो चाबी लेके आए उनके पिताजी खोले बाद में यहाँ गोकुल वृंदावन लेके आए, नहीं, वो ऑटोमेटिक खुल गया। और भगवान कृष्ण वृंदावन में ऐसे कार्य किए जो कि आज के डेट में कोई भी भगवान नहीं कर सकता है। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठा के रखे। कोई अगर आपको बोल रहे कि प्रभु जी वो हमारे वो एक बाबा है वो क्या है वो खुद को भगवान कहलाते, तो वो भगवान को 7 किलो का एक पत्थर पकड़ा दो, उनको बोलो कि भगवान कृष्ण 7 दिन तक खड़े थे, आप ज़्यादा नहीं केवल 17 घंटा ये पत्थर को पकड़ के खड़े रहो, 50 किलो वाला ज़्यादा वजन मत दो क्योंकि इतना बड़ा पत्थर उठा नहीं पाएंगे वो भी, 50 किलो वाला एक वजन वाला पत्थर दे दो, वो पकड़ के अगर 17 घंटा रह गए ना तो हम भगवान मान जाएंगे। कोई नहीं कर सकता। भगवान जो कार्य करते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जो कोई कार्य है वो सब दिव्य है, भौतिक नहीं है। एवं जो व्यक्ति तत्वत वो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार समझे, अपना मन गढ़न कुछ भी ढंग से ना समझे,
तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामीति सु अर्जुन। हे अर्जुन, वो अगर शास्त्र के प्रमाण आचार्य वर्गों के अनुगत में रहकर वो समझता है तो वो ये संसार में शरीर छोड़ने के बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, वो मेरे धाम पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को समझने की प्रयास किया। भगवान ये देखते हैं कि हम क्या करें, क्या भगवान के लिए किए वो नहीं देख रहे, भगवान देख रहे कि ये व्यक्ति मेरे लिए क्या प्रयास कर रहा है, ये मेरे पास क्यों आता है, मेरे को प्रणाम करता है, मेरा नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरा नाम जप करता है, मेरे को फूल अर्पित करता है, आरती दर्शन करता है, तो भगवान उनके प्रति बहुत ही कृपा करते हैं, क्योंकि आप प्रयास किए। ये मुंबई के अंदर इतने करोड़ों लोग है, आप इतने जन आए, अगर जितने लोग हैं ना, अगर 5% लोग आएंगे ना, हमारा टेंपल भर जाएगा। 5% मुंबई में जितने लोग हैं, उतने भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन वो लोग भगवान के पास नहीं आना चाहते। जू में आते हैं, भगवान के पास नहीं आते, कचरे के पानी के पास जाते हैं, गटर का। मैं बीच में गया था, मैं बहुत दिन, मैं तो ज़्यादा बाहर में रहता हूँ, तो यहाँ पे आया था कुछ ही दिन पहले, तो हमारे एक भक्त थे, वो बोले प्रभु जी समुद्र में जाएंगे, तो मैंने बोला प्रभु जी मैं तो कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है आप बोल रहे हैं तो चलिए। तो मैं गया, मेरे को लगा नहीं कि मैं समुद्र में आया हूँ, मेरे को लगा कि कोई जो बड़ा गटर है ना, वो गटर के पास आ गया हूँ, क्योंकि गटर का पानी से भी ज़्यादा काला पानी था वो समुद्र का पानी। और वैसी वैसी स्थान पे लोग आते हैं घूमने के लिए, और क्या बोलेंगे, आपको मालूम है जू में गए थे हम, जू बीच घूम के आए, क्या था उधर, और कुछ नहीं बोलेंगे। अभी इतना पानी गंदा हो गया है, लोग उधर सेल्फी लेना भी डर रहे हैं, वो कोई बोल लेगा, वो बोलेगा ये कहाँ का फोटो है रे, वो बोलेंगे वो जूस बीच का, नहीं 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 ये तो गटर का लगता है, क्योंकि पानी इतना गंदा है। तो देखो ऐसे चीज में आते हैं, मगर भगवान आप हमारे मंदिर में आए हैं, कितना साफ है, कितना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, कितना ठाकुर जी कितने सुंदर है, इतने सुंदर सजाया जाता है। अच्छा आपके साथ कोई भक्तों से आप बात करेंगे तो आपको कोई उल्टा नहीं बोलेंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मगर आप बाहर से कोई किसी को पूछो वो बहुत ही आपको उल्टा बोलेंगे। इतना अच्छा मिल रहा है, इतना अच्छा सुविधा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मंदिर में हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मंदिर में आपको ही ज़रूरत है, आपका मंदिर में आना आपके लिए ही ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर में जब आएंगे तब आपको आनंद मिलेगा। हमारे एक आचार्य वर्ग लिखते हैं वैष्णव एक भजन में के भालो करी देखो भाई अमिश्रे आनंद नाय जे आछे ता दुखे रो कारण। हे मेरे भाई, आप अच्छी तरह से देखो, ये संसार में तुम जहाँ सुख के लिए भाग रहे हो ना, गधा बन रहे हो, वहाँ पे सुख नहीं है। जे अच्छे था दुखे रो कारण, और जितना भी है सब दुख का कारण है। से सुख रो परे जाबे केनो माया दास होबे हराइबे परमार्थ धन। क्यों वो उधर गधा बन रहे हो, आओ भगवान की, मेरे भगवान की भक्ति करो, कृष्ण के शरण में आओ, कृष्ण की नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करो, आकर भगवान का महाप्रसाद घर में खरीद के लेके जाओ, भगवान के बारे में इतनी सुंदर भगवत गीता है घर में लेके जाओ, भगवान का जो बताए भगवत गीता में उसको आचरण करो, सुबह शाम समय निकाल के आरती दर्शन करने के लिए आओ, इसमें ही आनंद है। लोग देखिए आप कहाँ पे जाते हैं तो आपको उतना आनंद नहीं मिलता है जितना मंदिर में मिलता है। ठाकुर जी का पट खुलेगा कोई इतना घाई नहीं, आराम से आधा घंटा तक आरती होएगा आप दर्शन कर सकते हैं, और 5 मिनट बैठ के सुनिए, बाद में आराम से दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं जाएंगे तो ठाकुर जी कहाँ चले जाएंगे, ठाकुर जी आराम से रहेंगे, आप सुनिए। तो आकर भगवान की भक्ति करो, क्योंकि देखिए आप जब भगवान के मंदिर में आते हैं
आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि हम आपका मन को बहुत शांति मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान का नाम जप हो रहा है, भगवान है, साधु है, इसीलिए आपको शांति मिल रहा है। इसीलिए आप सभी का कर्तव्य है, आप आइए भगवान के। सुबह सुबह हमारा यहाँ 4:30 बजे आरती होता है। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु जी इतना लेट जल्दी हम आ नहीं पाएंगे, तो 7:15 में ठाकुर जी का दर्शन आरती खुलता है। सुबह सुबह आ सकते हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कार्य होता है, और बाद में प्रवचन भी होता है, सुन सकते हैं। और किसी के घर में अगर ऐसे ग्रंथ नहीं है भगवद गीता, तो घर में लेके जाइए। और हमारे यहाँ पे छोटे छोटे भी पुस्तक मिल रहा है, और हर कोई भाषा में उपलब्ध है, आपके घर में पुस्तक लेके जाइए। और सभी बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। श्री श्री राधा रसभरी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौ